नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल सुपेबेड़ा में बांटी गई एक्सपायरी दवाई के विरोध में जोगी पार्टी के युवाओं ने जिला आयुष चिकित्सा विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए शेख इमरान की इस खास रिपोर्ट में। जिला गरियाबंद के देवभोग के ग्राम सुपेबेड़ा में किडनी से ग्रसित मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक मामले ने प्रदेश को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि सुपेबेड़ा में शासन प्रशासन एवं आयुष की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा किडनी के मरीजों को एक्सपायरी दवाई बांटने की खबर सुर्खियों में है, जिसके खिलाफ हल्ला बोलते हुए जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के सैकड़ों युवा नेता विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन एवं आयुष की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर वो जिला आयुष विभाग का घेराव कर बांटी गई एक्सपायरी दवाई की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम से SDM को ज्ञापन सौंपा है। जनता कांग्रेस के युवा नेता जब विभाग का घेराव करने निकले थे, तभी पुलिस ने रास्ते पर ही रोक दिया था और जमकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता व पुलिस के बीच झूमाझपटी हुई। घेराव करने पहुंचे जोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 140 लोगों की गिरफ्तारी की, जिन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया है। जनता कांग्रेस के युवाओं ने बताया कि बांटी गई दवाई न्यू लाइफ लेबोरेटरीज प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग तिथि 2013 की है, जो निर्माण से 60 माह यानी 5 वर्ष के बाद ये दवा एक्सपायरी में आ जाती है। फरवरी 2018 में ये दवा एक्सपायरी हो गई। विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक्सपायरी दवा होने के बावजूद आयुष विभाग के अधिकारियों ने सुपेबेड़ा में दवा वितरण कर दी, जो सीधे सीधे मरीजों की जान जोखिम में है। साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा शिविर लगवाया गया था आयुष विभाग का, जिसमें 67% अल्कोहल और एक्सपायरी डेट की दवा दी गई है। जैसे 2013 में जो दवा बनी है वो 2018 के फरवरी में एक्सपायरी हो चुकी है। उसके बाद उसको गवर्नमेंट जानबूझकर वहाँ पर बांटे जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी किडनी से पीड़ित हैं और वैसी दवाई बांटकर जो सरकार है वहाँ के भोले भाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहाँ पर ऊँचे से ऊँचे डॉक्टर बुलाना चाहिए, बड़ा से बड़ा सरकार को हेल्प करना चाहिए ग्रामीणों का। फिर वहाँ पर एक्सपायरी डेट की दवा देकर सरकार जो है वहाँ के लोगों को मारना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे दोषी डॉक्टर के ऊपर धारा 304 गैरिदान हत्या का अपराध दर्ज करना चाहिए और प्रकरण की पूरी न्यायिक दंडाधिकारी जांच कराना चाहिए। यहाँ भी क्या किए हैं? आज हम लोग आयुष कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने का भारी प्रयास किया गया, जबरन गिरफ्तार कर यहाँ लाया गया। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो आंदोलन किया जाएगा। सुपेबेड़ा में जो आयुष विभाग का शिविर लगा था, उसमें त्रुटिवश विभाग द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाएं वितरित कर दी गई थी, जिसको वापस कर लिया गया है। उसके विरोध में जनता कांग्रेस द्वारा जिला आयुष कार्यालय का घेराव किया जा रहा था, जिसको हमने गिरफ्तार करके यहाँ जेल परिसर में ले आए हैं। कितने लगभग 140 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। सर, कार्रवाई की क्या स्थिति, कुछ कार्रवाई हुई सर अभी तक? जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है विभाग द्वारा, और जो कार्रवाई है वो शासन स्तर से होना है। देखना होगा कि अब सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर इस मामले को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। For more information, log on to www.clips.in.